नमस्कार, मैं आयुषी गौड़। आज बात भारत की जमीन पर उतरे एक बोइंग 747 की, जिसने देश से चीतों की चिंता दूर कर दी है। देश आजादी के बाद से अब तक चीतों की चितकारी से वंचित था, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जैसे ही इनके कदम पड़े, जंगल इनकी चितकारियों से गूंज उठा और इस क्षण को खास बनाया खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई इनकी आगवानी ने। आज विशेष में बात इन्हीं चीतों की। भारत में 75 साल बाद फिर गूंजेगी चीते की चितकारियां। 1947 के बाद चीते के पंजों के निशान एक बार फिर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की धरती पर देखेंगे, जिसके लिए भारत में विशेष तैयारियां की गई थी। 70 साल बाद भारत में फिर से चीतों की वापसी हो रही है। देश में आखिरी बार चीते को सन 1947 में देखा गया था। भारत में लुप्त हो चुके इस जीव को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इस ऐतिहासिक मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। चीते को दोबारा भारत में पुनर्वास की कोशिश पहली बार की जा रही है। इस प्रक्रिया में पहले चरण में 8 चीते बसाए गए हैं। भारत सरकार अगले 5 साल में कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीतों का पुनर्वास करना चाहती है। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि दुनिया में इस समय केवल 17 देशों में ही चीते मौजूद हैं, जिनकी कुल संख्या 7,000 के करीब है। भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के 7 दशक बाद इस प्रजाति को देश में फिर से बसाने की परियोजना के तहत नामीबिया से 8 चीते विशेष मालवाहक विमान से लाए गए हैं। मालवाहक बोइंग विमान ने शुक्रवार रात को नामीबिया से उड़ान भरी। विशेष विमान की एयरलाइन कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि इस फ्लाइट को स्पेशल फ्लैग नंबर 118 दिया गया है। इसके साथ ही विमान में चीते की एक आकर्षक पेंटिंग भी बनाई गई है। विमान के जरिए 8 अफ्रीकी चीते भारत लाए गए, जिनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। अफ्रीका से आए यह मेहमान अब भारत के परिवार का हिस्सा होंगे। ये कितने खास हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इनकी आगवानी खुद भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क छोड़ने के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इन चीतों को उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में सॉफ्ट रिलीज किया। अफ्रीका से आए इन चीतों के लिए खास तैयारी की गई है। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी पर्यावरण देने की कोशिश भी की गई है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि वर्षों की गलती सुधारी जा रही है, अतीत को भुलाने की जरूरत है। अब भारत की धरती पर चीता लौट आया है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही
भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को बधाई देता हूँ। मैं मित्र देश नामीबिया का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। चीतों को देखने की उत्सुकता को लेकर मोदी ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक बार फिर चीतों की वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। भारत में चीते की चित्कारियों को सन 1948 में आखिरी बार सुना गया था। इसके बाद इस आवाज को कभी नहीं सुना गया। भारत में 1952 में आधिकारिक रूप से चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। भारत में आखिरी चीता सन 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया स्थित जंगलों में मृत मिला था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सन 1952 में चीते को भारत से विलुप्त घोषित किया गया। इसके बाद सन 2009 से अफ्रीका से भारत में चीते लाने की कवायद शुरू की गई। इसे अफ्रीका चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया नाम दिया गया। इस कवायद ने मोदी सरकार के आने के बाद गति पकड़ी और अब चीते दोबारा भारत में दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर खुद कूनो नेशनल पार्क में बने बाड़े में चीतों को आजाद कर देश के पहले चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो पार्क में नामीबिया से आए चीतों को बाड़े में छोड़कर एक बार फिर देश में चीता युग की शुरुआत कर दी है। चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने कैमरे से उनकी तस्वीरें भी ली। इसके बाद उन्होंने चीता मित्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनका एक वीडियो संदेश प्रसारित हुआ।
जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि चीते हमारे मेहमान हैं, उनको देखने के लिए कुछ समय का धैर्य और इंतजार करना होगा। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर है। पलक झपकते ही शिकार इसके जबड़े में होता है और मिनट भर में उनका काम तमाम हो जाता है। इसी वजह से चीते को शिकार मशीन भी कहा जाता है। चीता इकलौता ऐसा जानवर है जो हर सेकंड में 4 छलांग लगाता है। चीते की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। अपनी टॉप स्पीड पर चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगाता है। चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए ही रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर दूरी ही तय कर सकता है। चीता 3 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और अपनी 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को घटाकर 23 किलोमीटर प्रति घंटा भी कर सकता है। आपको बता दें कि चीते के पास शिकार के लिए 1 मिनट ही होता है, यानी इस दौरान ही उसे अपना शिकार करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। भारत में चीतों की कमी तो दूर हो गई, लेकिन अब चुनौती शुरू हो गई इन्हें बदले माहौल में ढालने की, जिससे यह अपना कुनबा भारत में बढ़ा सके। आज विशेष में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।